हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा रिहंत का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोग को करवा दिए हैं। अगर आप लोग तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये मेरा रिहंत का प्रैक्टिस सेट 4 है फ्रेंड्स, जिसको आज हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। और आप लोग से हम चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यानी 5 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अल्टरनेटिव वर्ड का फिल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आई फिल इन द ब्लैंक टू गो टू हॉस्पिटल टुमारो। तो देखिए फ्रेंड्स, आई अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करेगा? आई जो अपने साथ एक्जिलरी वर्ब का यूज करेगा फ्रेंड्स, कौन सा वर्ब का यूज करेगा? तो या एम का यूज करेगा या फिर हैव का यूज करेगा, ना तो डू का करेगा। डू का हो सकता था लेकिन यहाँ पे डू का यूज नहीं होगा, ना ही डू का होगा ना ही हैज का होगा। तो अब फ्रेंड्स बात रह गई कि यहाँ पे हैव या फिर एम दोनों में से किसका यूज होगा। तो आप लोग एक रूल में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक रूल नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि एम के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। एम अपने साथ टू का प्रयोग नहीं करता है। तो टू का प्रयोग किसके साथ होगा फ्रेंड्स? तो टू का प्रयोग हैव के साथ होगा। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हैव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बात कर ले फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का हिंदी क्या बन के तैयार होगा? तो इस सेंटेंस का हिंदी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स, मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल टुमारो, मतलब मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। वीडियो में बने ही रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? प्लीज सिट अप, प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार, प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार मिस्टर जॉन्स। डू यू रियलाइज यू फिल इन द ब्लैंक्स एट ओवर 90 mph। मतलब ये सेंटेंस कह रहा है फ्रेंड्स, मिस्टर जॉन्स, क्या आपको पता है जो आप कार चला रहे हैं कितना कितना मील प्रति घंटा चला रहे हैं फ्रेंड्स? 90 mph चला रहे हैं। तो कह रहा है सेंटेंस, मिस्टर जॉन्स क्या आप बाहर आप झांक कर देखिए, क्या आपको पता है कि आप जो कार चला रहे हैं, आप जो कार का ड्राइव कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कितना मील प्रति घंटा कर रहे हैं? 90 mph। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा फ्रेंड्स, इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा? इसके साथ ऑप्शन नंबर ए यानी बियर ड्राइविंग का यूज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? योर फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक टू मच। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को ये फाइंड आउट करना है, ये जो योर फ्रेंड आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो अब आप लोग बोलिए कि सर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग मेरा रोज वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को हम एक वीडियो में बताते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करता है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है? तो इसमें सिंगुलर वर्ब ऑप्शन नंबर बी है। अब आप लोग बोलिए सर ऑप्शन नंबर बी कैसे सिंगुलर वर्ब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए सिंगुलर वर्ब हुआ फ्रेंड्स क्योंकि इसमें एस लगा हुआ। हम आपको अगर आप लोग इसका इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायरेक्शन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसी के तरह एक सिंपल सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस? आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसंस ही वेंट आउट टू प्ले। मतलब इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, आफ्टर ही हैड लर्नड, मतलब अपने सबक को याद करने के बाद, मतलब एक आप लोग एक इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, एक बच्चा है, क्या एक बच्चा है जिसको स्कूल में होमवर्क मिला है। तो वो बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स? वो बच्चा अपना जो होमवर्क है टोटल कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वह क्या करता है? वह खेलने के लिए बाहर चला जाता है। तो इसी तरह का सेंटेंस आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ये चारों ऑप्शन में से आपको इसी तरह का सेंटेंस फाइंड आउट करना है। मतलब अपने सबक सीखने के बाद वह बच्चा क्या किया? वह खेलने के लिए बाहर चला गया।
तो इस तरह का जो सेंटेंस आप लोग के सामने है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? वी मेट एट एमसी डोनाल्ड्स एट नून, द वर्ड एमसी डोनाल्ड्स इज, मतलब यहाँ पे जो एमसी डोनाल्ड्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये कौन सा नाउन है? ये जो कौन सा नाउन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एमसी डोनाल्ड्स, अगर आप लोग मेरा नाउन वाला वीडियो देखे होंगे फ्रेंड्स, और नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं एमसी डोनाल्ड कौन सा नाउन है। तो मैंने नाउन वाला वीडियो में बताया था, अगर किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि को नाम को बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो एमसी डोनाल्ड किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे क्या को कहेंगे फ्रेंड्स? इसे प्रॉपर नाउन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात कर ले फ्रेंड्स कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो कॉमन नाउन किसी जाति का जब बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, एंड कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जैसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सभी के बारे में पता होगा, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, अपने आप को दोषी मत ठहराओ, फॉर द मिस्टेक इज परफेक्ट। क्या है? डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, फिल इन द ब्लैंक्स इज परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे क्या फील होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर यहाँ पे नोबडी होगा। अब आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर ए यानी नोबडी यहाँ पे कैसे फील होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए फील होगा फ्रेंड्स क्योंकि ये क्या है, ये एक क्वेट है। मतलब गलती के लिए अपने आप को दोष ना दो, कोई भी इस दुनिया इस संसार में कोई भी सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोबडी का फील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, और ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेट है, QUEOT क्वेट। अगर आप लोग क्वेट का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो क्वेट जैसे आप लोग बोलते हैं ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यानी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ये क्वेट है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, इसी प्रकार ये क्वेट है फ्रेंड्स, और इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज कर दिया है और आपके सामने एरर के रूप में क्वेश्चन को शो कर दिया है। तो आपको जो एरर है फ्रेंड्स इस क्वेट में आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो एरर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में है। अब आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर ए में एरर कैसे है? तो एक बार आप सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। क्या है? मोर यू थिंक ऑफ इट कॉमा द वर्स इट बिकम्स। तो यहाँ बात वर्स की गई है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम वर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो वर्स है फ्रेंड्स बैड का कॉम्परेटिव डिग्री है। किसका कॉम्परेटिव डिग्री है फ्रेंड्स? बैड का कॉम्परेटिव डिग्री है। बैड का डिग्री क्या होता है? बैड होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, वर्स हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, एंड WORST, और वर्स्ट हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इससे हमको डिग्री से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें डिग्री का कोई एरर नहीं था, इसमें वर्स आया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लिए। और इसमें जो एरर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? इसमें यू को हटाना होगा और मोर के पहले क्या लगाना होगा फ्रेंड्स? द का यूज करना होगा, और उसके बाद जो है आपको वही रहना होगा। तो इसमें जब यू को हटा देंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम द लगा देंगे, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार का बनता है। द मोर थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या होगा? जितना अधिक वह सोचता है वह उतना ही बुरा होता जाता है। मतलब जो जितना अधिक सोचता है वह उतना ही बुरा हो जाता है। ये फ्रेंड्स आपका एक इमोशनल क्वेट्स या फिर एजुकेशनल क्वेट, जो भी समझ लीजिए, ये एक प्रकार का क्वेट है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, आप लोग को एक रूल नोट करवाना है। क्या कह रहा है? द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच अ स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑलवेज आया हुआ है, तो ऑलवेज के लिए आप लोग रूल नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि ऑलवेज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ऑलवेज का यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स? स्कॉल्डेड आपका वर्ब है। स्कॉल्डेड मीन्स क्या होता है? डांटना होता है। स्कॉल्डेड मीन्स क्या होता है? डांटना होता है। मतलब एक लड़का है फ्रेंड्स जो हमेशा स्कूल लेट से आता है, और उसे टीचर जो स्कूल का है वो हमेशा उसे क्या करते हैं? डांटते हैं।
तो यहाँ जो ऑलवेज आया हुआ है फ्रेंड्स, ऑलवेज का यूज कब होगा? ऑलवेज का यूज स्कॉल्डेड के पहले होगा, और यहाँ पे क्या कर दिया है, स्कॉल्डेड के बाद ऑलवेज का यूज किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में इरर था। तो ऑलवेज का यूज कहाँ करते हैं? ऑलवेज का यूज हमेशा वर्ब के पहले करते हैं, ना कि वर्ब के बाद। तो स्कॉल्डेड के पहले किसका यूज होगा? ऑलवेज का यूज होगा, उसके बाद स्कॉल्डेड हिम का यूज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। तो डॉक्टर के पहले कौन सा आर्टिकल का फिल होगा? तो डॉक्टर के पहले हम लोग सभी को जानते हैं द आर्टिकल का फिल होगा, तो देखते हैं। और होप के पहले कौन सा आर्टिकल का फिल होगा? होप के पहले ए आर्टिकल का फिल होगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुड यू लैंड मी, लैंड बात कर ले फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ लैंड, लैंड का हिंदी क्या होता है? लैंड का हिंदी होता है उधार देना। क्या होता है? उधार देना। तो क्या कह रहा है? कुड यू लैंड मी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो क्या उधार देगा फ्रेंड्स? कुछ पैसा देगा, यानी सम मनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब इसका जो पूरा सेंटेंस का जो हिंदी होगा फ्रेंड्स, इस पूरा सेंटेंस का जो हिंदी होगा, इस पूरा सेंटेंस का हिंदी ये होगा, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? सम मनी का हिंदी क्या होता है? कुछ पैसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहेगा, क्योंकि इसमें भी आप लोग को एक रूल नोट करवाना है। क्या रूल है फ्रेंड्स? पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑल फ्लेट डैट ही फिल इन द ब्लैंक्स ए चीटर। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स? मतलब आपके जितने भी किराएदार हैं धोखेबाज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किसका आया है? प्रोबेबिलिटी का सेंस आया है। किसका आया? प्रोबेबिलिटी का। तो आप लोग को हम एक रूल याद करवाए थे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइट होगा। तो हम माइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अगर आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि उसमें हम माइट का एक्सप्लेन किए थे, कि माइट का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग रूल नोट कर लीजिए, क्या कह रहा है रूल, माइट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो माइट का यूज हम लोग वहाँ करते हैं फ्रेंड्स, बात अगर सजेशन, SUGGESTION, सजेशन की बात की जाए तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। डाउट की बात की जाए तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। अगर कोई इच्छा वाले सेंटेंस का बात की जाए तो हम लोग किसका, कौन सा मोडाल का यूज करते हैं फ्रेंड्स? माइट मोडाल का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, या आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही हैज बीन बिटन ए डॉग। तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? तो यहाँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ही हैज बीन बिटन, मतलब उसे काटा गया। किसके द्वारा काटा गया? डॉग के द्वारा काटा गया। तो इसमें किसका यूज करेंगे फ्रेंड? बाय का यूज करेंगे। जब कोई एजेंट के द्वारा कोई काम होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ डॉग किसका किसका रूप लिया फ्रेंड्स? एक एजेंट का रूप लिया, क्योंकि डॉग उसको काटा, इसलिए डॉग इसमें किसका यूज होगा? बाय का यूज आपका फिक्स्ड होगा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम, डोंट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फिल इन द ब्लैंक्स हिज सक्सेस। अगर आप लोग मेरा अरिहंत का प्रैक्टिस सेट 3 देखे होंगे तो आप लोग को हम उसमें एक रूल नोट करवाए थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा अपने साथ किसका यूज करता है फ्रेंड्स? कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग और टू द वर्ड गिवेन मोमेंटस। यानी फ्रेंड्स आपको मोमेंटस का आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटस का आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि मोमेंटस का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण या फिर प्रभावशाली। तो आई होप कि अब आप लोग इसका सिनोनियम फाइंड आउट कर लिए होंगे। इसका जो सिनोनियम होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट का हिंदी भी क्या होता है फ्रेंड्स? महत्वपूर्ण होता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का। तो टेम्प्रोरी का हिंदी क्या होगा फ्रेंड्स? टेम्प्रोरी का हिंदी होता है थोड़े समय के लिए। एंड फ्लेटिंग का हिंदी भी होता है फ्रेंड्स थोड़े समय या फिर कुछ समय के लिए। एंड
मॉन्यूमेंटल का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? मॉन्यूमेंटल का हिंदी होता है याद दिलाने वाला। जैसे कोई वस्तु है फ्रेंड्स, और कोई वस्तु को देखकर हमें किसी की याद आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंटल, किसी किसी का याद दिलाने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा है? कॉन्ट्रोवर्सियल। कॉन्ट्रोवर्सियल का आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना, यानी एंटोनियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिर कॉन्ट्रावर्सियल का हिंदी क्या होता है। तो कॉन्ट्रावर्सियल का हिंदी होता है विवादग्रस्त। मतलब एक ऐसा आदमी है फ्रेंड्स जिसे पूरी तरह से विवाद घेर के रखा है, उसे कोई नहीं चाहता, उससे सब लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो वैसे लोग को क्या कहता है? कॉन्ट्रावर्सियल, यानी विवादग्रस्त। जैसे कोई आप लोग का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जमीन है, एक जमीन है फ्रेंड्स, इसके ये जमीन तो एक है लेकिन इसके पीछे जो लोग लगे हुए, इसके पीछे 10 लोग लगे हुए हैं। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? ये जमीन जो हो गया ये विवादग्रस्त हो गया। तो इसका जो एंटोनियम होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनडिस्प्यूटेड, यानी विवाद ना चाहने वाला, या फिर निर्विवाद, विवाद ना चाहने वाला। तो बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन का, तो अनसर्टेन का हिंदी क्या होता है? अनसर्टेन का हिंदी होता है संदेह युक्त। एंड डॉबियस का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? डॉबियस का हिंदी होता है संदिग्ध या फिर संदेह युक्त। एंड क्वेश्चन नेवल का हिंदी क्या होता है? संदेह युक्त। यानी ये फ्रेंड्स ये तीनों जो है ए बी एंड डी, ये तीनों आपस में सिनोनियम हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यानी फ्रेंड्स आप लोग के सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन सही है एंड एक ऑप्शन आप लोग के सामने गलत दिया हुआ है। तो जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स आप लोग को उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उसको देख लेते हैं। आप लोग के सामने जो गलत आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का गलत आंसर है। अब आप लोग बोलिए सर ऑप्शन नंबर ए गलत कैसे हुआ? तो पास जीवे का हिंदी होता है, सॉरी पास जीवे का राइट मीनिंग होता है फ्रेंड्स जी के बाद ई लगता है, और यहाँ क्या किया है फ्रेंड्स? ई को रिमूव कर दिया है, इसलिए जी के बाद हम जी के बाद किसका प्रयोग करेंगे? ई का प्रयोग करेंगे। तो मेरा ये जो मीनिंग है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो अब बात कर ले फ्रेंड्स पास जीवे का हिंदी क्या होता है? तो पास जीवे का हिंदी तो दालान, क्या होता है? दालान। और बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन का, तो काउजवे का हिंदी क्या होता है? काउजवे का हिंदी होता है पक्की सड़क। एंड सबवे का हिंदी क्या होता है? सबवे का हिंदी होता है भूमिगत मार्ग, या फिर उसको क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। एंड स्ट्रेट वे का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तो स्ट्रेट वे का हिंदी होता है फॉरन। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फाइन लिख कर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फिर इसे लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचते रहे। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आप लोग का ग्रुप है, आप लोग उसमें मेरा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग के थ्रू किसी और का मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।